तो गाइस आई होप आपको मजा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे मजा सबसे ज्यादा इसलिए आ रहा है कि सुबह उठते ही मैं एक कलाकारी कर रहा हूँ यार, मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशन के साथ खेला गया। वाह, 14 प्रो मैक्स लाया हूं भाई। किस चीज का भाई? भाई खरीद के लाया हूँ। तो गाइस नए फोन की अनबॉक्सिंग हो रही है। ओ ये बता, आइडिया कैसा रहा? सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अंदर व्लॉग। कैसे हो सारे? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो, और भाई मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और गाइस आज सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के ना इतना बढ़िया लग रहा है यार। वैसे तो हम लोग मोस्टली रात में जाग रहे होते हैं, एडिटिंग कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट कर रहे होते हैं, और फिर लेट सुबह सोते हैं, फिर पूरा दिन हमारा सोने में निकल जाता है। बट अभी कुछ मैंने सोचा है कि यार टाइम से सोना है और टाइम से उठना है, तो थोड़ा सा अगर ये शेड्यूल ठीक हो जाए ना तो भाई मजा आ जाएगा। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि भाई रचित तो फिलहाल देख रहा है मूवी, क्योंकि वो भी टाइम से उठ चुका है, और सिब्बू भी रेस्ट कर रही है, और मिक्की माउस एडिटिंग कर रहा है। भाई मेरे दिमाग में ना उठते सबसे बढ़िया आइडिया आ चुका है, क्योंकि कल रचित ने जो व्लॉग डाला प्रैंक वाला, भाई वो सच बताऊं बहुत ही एक्सट्रीम खतरनाक, क्या ही बोलूं, अजीब, और ये मतलब मेरे दिमाग से बाहर है यार। और भाई उस प्रैंक के चक्कर में मेरे व्लॉग्स पे भी काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई प्रैंक करो प्रैंक करो प्रैंक करो। तो अभी मेरे माइंड में ये आया है क्यों ना प्रैंक किया जाए। हालांकि कुछ खास प्रैंक नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो फन होगा ही यार। और गाइस कमेंट्स की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि चलो आज सुबह सुबह प्रैंक करते हैं। मेरे साथ तो रात में प्रैंक हुआ था ना, बट मैं सुबह सुबह प्रैंक करता हूँ, मजा आएगा। तो चलो गाइस फिलहाल अभी बिना कुछ नाश्ता करे बिना कुछ खाए पिए प्रैंक करते हैं आज चलो। और कल वाले प्रैंक में जो आपने देखा ना, गाड़ी चोरी हो गई, भाई मैं इतनी गहरी नींद में सो रहा था, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे मेरी नींद को इतने गंदे तरीके से खराब किया गया है। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बट क्या करें, यही दोस्ती में यू नो करना पड़ता है। तो फिर भाई अपने गुस्से को मैंने शांत किया, नींद को भगाया, और फिर पता लगा भाई वैसे भी यू नो यार गाइस मुझे गाड़ियों से कितना प्यार है ना। आए दिन देखा होगा आपने, मैं गाड़ियां वॉश कराता रहता हूँ, कुछ ना कुछ कराते ही रहता हूँ। तो मुझे भाई, और संतरा भाई, संतरा आप सबकी फेवरेट, टियागो संतरा। तो ऐसे कैसे यार, ऐसे चोरी नहीं हो सकती, कुछ सिक्योरिटीज हमने भी कर रखी है हाई, तो नॉट पॉसिबल चोरी होना। बाहर से कहीं से हो जाए तो वो बात अलग है। देखो चलो गाइस प्रैंक कुछ अभी बता दूं आपको, चलो बता देता हूँ यार। आप लोगों, आपसे क्या छुपाना, आप तो ऑलरेडी फिर आपको पता लग ही चुका होगा टाइटल और थंबनेल से, तो बता ही देते हैं यार। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि कल ना मैं रचित से बात कर रहा था आईफोन के बारे में, मतलब आईफोन के बारे में बात कर रहा था कि भी कितने का आ रहा है मार्केट में, बुकिंग एंड ऑल क्या है, क्या हिसाब किताब है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रचित पे आईफोन 14 प्रो मैक्स का भाई प्रैंक किया जाए, समझ रहे हो ना, आईफोन 14 प्रो। तो प्रैंक कुछ ऐसा करने की सोच रहा हूँ कि मेरे पास 13 प्रो मैक्स का डब्बा पड़ा है फोन का, ठीक है, मतलब सोच रहे हो यार, उसको पैक करूंगा, और पैक करने के बाद उसके पास जाता हूँ और बोलता हूँ ले भाई जल्दी डब्बा खोल, तेरा भाई नया फोन ले आया। तो देखते हैं प्रैंक सक्सेसफुल रहता है या नहीं। हेलो इंस्टा, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई मिक्की, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। अरे तो सोया ही नहीं होगा ना, एडिटिंग कर रहा है गाइस। ये सोया नहीं था इंस्टा, ये देखो ये सुबह सुबह, चल बैठ जा, सेट सेट, ये शैतानी सूझ रही है उसको सुबह सुबह। ओए बहुत ही अच्छा, अबे यार अपने भाई को साइड कर। तो गाइस इंस्टा तो बाहर गया। ओए मेरे माइंड में ना सुबह सुबह एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया है, तो सोच भी नहीं सकता क्या होगा। अभी 2 मिनट के लिए एडिटिंग रोक दे, ठीक है, एडिटिंग रोक दी ना एडिटिंग। सुन, कल रचित ने प्रैंक किया था मेरे साथ रात को, जिसमें तू भी शामिल था। मजा तो आया, लेकिन मैं तेरे साथ अभी बुरा नहीं कर रहा कुछ, ना तेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा, बट आने वाले टाइम में तुझे भी फेस करना पड़ेगा। तो रचित अभी देख रहा है मूवी, और मेरे माइंड में आइडिया ये आया भाई, क्यों ना उसके साथ भी प्रैंक किया जाए, वो भी सुबह सुबह। और प्रैंक बताऊँ क्या है, तू सोच क्या हो सकता है। चल क्या, उनकी गाड़ी चोरी करोगे? अबे यार पागल है क्या, वो तो तुरंत पहचान जाएगा गाड़ी चोरी को करूंगा तो। फिर मेरे माइंड में ये आया, मेरे पास ना 13 प्रो मैक्स का डब्बा पड़ा है फोन का, ठीक है, मैं उसको अच्छे से किसी उसमें डाल देता हूँ बैग में, और उसको ले जाके बोलूंगा ले, उससे ना मैं बात कर रहा था एक दिन पहले नए फोन के बारे में, और बोल दूंगा भाई ले सरप्राइज, मैं फोन ले आया नया। कौन सा? 14 प्रो मैक्स। ओ ये बता, आइडिया कैसा रहा? बढ़िया है, करे करे सुबह 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 सुबह, अभी मूवी देख रहा है मजे में। और सुबह के गाइस अभी बज रहे हैं कितने, देखो 9 बज रहे हैं, करे पक्का पक्का मॉर्निंग प्रैंक हो जाए। चलो चलो नींद बताइयो मत, लेकिन मैं इतने में डब्बा लेके आल के आ रहा हूँ अलमारी से, मैं नहीं बताता। हाँ कहीं तो भाग जाए इतने में, मैं बाहर से कुंडी लगा के जा रहा हूँ। मैं सबके साथ मिलकर प्रैंक करता हूँ। हाँ ये बात तो है गाइस, ये समझ नहीं आया मेरे को, सबके साथ मिलकर प्रैंक करता है, कोई नहीं तेरे साथ देख कितना गंदा प्रैंक करूंगा एक दिन। आई एम ऑलवेज रेडी। उठ गया तू? उठते मूवी तो भाई देखो, उठते मूवी भी देख रहा है ये भाई, तबीयत खराब है, सोया का हूँ, उठूंगा जो भाई टाइम से सोएगा तभी तो तभी ठीक होगी। नींद ही नहीं आ रही है, मतलब सो ही नहीं पा रहा, कमर में इतना ज्यादा दर्द है। सुन तो एक सरप्राइज है। क्या सोच क्या हो सकता है, अभी लेके आता हूँ, रुक जाओ, वेट कर 5 सेकंड, अभी आ रहा हूँ।
फिल्म देखने थे यार। पाँच मिनट में आ रहा हूँ, वेट कर मेरा, एक सरप्राइज है तेरे लिए। ओके वेट फॉर 5 मिनट्स। तो गाइज ये देखो, ये है एडिडास का बैग और ये वही बैग है जो लास्ट टच इतनी शॉपिंग करी थी ना, वो उसका व्लॉग देखा होगा शॉपिंग वाला, तो ये वो बैग है और उस इसमें उसके कपड़े ही हैं, पता है वो अभी लेकर आया हूँ। तो इस थैले का आप क्या करने वाले हो? बताता हूँ मैं क्या करूँगा, मेरा प्लान कुछ ऐसे है गाइस, ये है भाई थैला, इसमें है कपड़े, तो मैं जब ऋषिक के पास जाऊँगा तो मैं बोलूँगा देख भाई देख क्या लाया हूँ एडिडास से, तो उसको लगेगा भाई कपड़े हैं जूते लाया है, बट इसके अंदर कुछ और चीज़ है। क्या? गाइस ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स का डब्बा, ठीक है, और इसके अंदर देखो मैंने क्या कलाकारी कर रखी है। कभी ना टूटने वाला फोन। यस, तो गाइस ये है नोकिया का फोन, देख सकते हो नोकिया, देख रहे हो दिमाग, देख रहे हो भाई का कहां तक जा सकता है। सरप्राइज पे सरप्राइज, पहले एडिडास, दूसरा आईफोन और तीसरा सरप्राइज देखो क्या है। ये है मेन तो ये है। तो गाइस आई होप आपको मजा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे मजा सबसे ज्यादा इसलिए आ रहा है कि सुबह उठते ही मैं ये कलाकारी कर रहा हूँ यार, क्योंकि कल मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ और रात में मेरी नींद खराब करी गई, मुझे रोड पे ले जाया गया, घुमाया गया और मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशन के साथ खेला गया। वाह, बोल दिया मेरे को टियागो चोरी हो गई और मैंने भी मान लिया यार, मैंने भी दिमाग में लड़ाया कि साइड वाले प्लॉट में लगा कर आया हुआ, रात में कहाँ दिखता है यार। तो चलो ठीक है, मेरा पागल तो बन गया, मेरा वक्त है रचित को पागल बनाने का। तो चलो भाई ये फ़ोन नोकिया वाला डालते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स के डब्बे में। ये भाई ये देखो डाल दिया और अब इसको डालते हैं इस थैले में। तो चलो भाई अब अपनी कमर की पेटियां कस लो और चल रहे हैं हम प्रैंक करने के लिए रचित के पास। चले मिक्की, लेट्स गो। अब गाइस रेडी हो जाओ जल्दी से, देखते हैं उसकी क्या रिएक्शन होने वाला है। मुझे पता है उसका पागल बनेगा, मेरे को फुल एक्सपेक्टेशन है उसका पागल बनेगा। जब वो देखेगा ना एडिडास का थैला तो उसको पक्का लगेगा कि भाई मैं शॉपिंग वॉपिंग करके आया हूँ, बट जब देखेगा कि इसके अंदर क्या है तो मज़ा ही आ जाएगा गाइस। तो चलते हैं। किस चीज का सरप्राइज है? मैं कुछ लेकर आया हूँ कल। कब बुलाया भाई? बुलाया कल दिन में, लाया था तेरे को पता ही नहीं था है क्या, ये देख ले, खड़ा हो पहले बता किस चीज का क्या लाया है। अनबॉक्सिंग है तू करेगा, तू बता मिक्की अनबॉक्सिंग किससे करवाया? रचित भाई से करवाओ, तेरे लिए लाया हूं यार। मेरे लिए लाया? हां अच्छा भाई, मेरे को तो सिब्बू ने दिलाना था, उससे पहले मैं ले आया, सिब्बू से मेरी बात हो गई थी। ले भाई। तो गाइस नए फोन की अनबॉक्सिंग हो रही है। ओ भाई नोकिया, ओ यार मजा आ गया। अबे ये तो 13 प्रो मैक्स का डब्बा है जो सिब्बू को दिया था मैंने। ओ क्या देख कितना बेवकूफ बना रहा है। ये थैला भी मेरा एडिडास का, इसमें जैकेट भी मेरी, वाह ये डब्बा भी मेरा और ये फोन भी। अरे यार गाइस आ गया ना मजा, खाता ना पागल बन जाएगा। जा चला जा यहाँ से, फिल्म देखने दे, कमर का दर्द है, दिमाग का दर्द मत कर दे मेरे को। यार फिर सुबह सुबह कोई कैसे पागल बन सकता है यार। अट जा यार दिमाग मत खराब कर, मूवी देख रहा हूँ मैं और मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरे को डिस्टर्ब मत कर प्लीज। तू नोकिया का फोन चला, मेरे को तो अच्छा लगता है, इसकी बैटरी ला दे चला लूंगा मैं। चलो गाइस ये हो गया प्रैंक इसके साथ, बैटरी इसका चार्जर, थैंक यू प्रैंक में बने रहने के लिए। अब इसका काम क्या है, प्रैंक में बना रहता है सबके साथ। अगली बार समझ जाऊंगा मैं, कोई नहीं मिक्की, चले चल तू एडिटिंग पे बैठ जाओ। चलो चलो। तो गाइस कहा था ना रचित का पागल जरूर बनेगा, मुझे फुल एक्सपेक्टेशन थी भाई और बन गया उसका पागल। और आपने देखा किस तरह मिक्की माउस का काम किया भाई, सारे प्रैंक्स में बने रहना और लोगों का साथ देना। और आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं बहुत जल्द मिक्की के साथ भी प्रैंक लेके आ रहा हूँ, समझ रहे हो, जो हर किसी के साथ उस प्लान में होता है ना उसके साथ भी भाई प्रैंक करना बनता है। पीछे ही बैठा सुन रहा है मेरी सारी बातें, ये देखो गलत बात है भाई, मैंने क्या किया है? गलत बात थोड़ी है यार, सही बात है, मैं तो सबको साथ देता हूँ। वाह साथ देता है गाइस प्रैंक में वो भी, ठीक है प्रैंक में कोई कैसे साथ दे सकता है यार, हद है। तो गाइस आपने देखा रचित का बन गया पागल और आपने देख लिया भाई, फिलहाल उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा उसके बैक पेन वगैरह हो रखा है। तो गाइस चलो आई होप आपको इस व्लॉग में बहुत मजा आया होगा, हमें तो बहुत मजा आया क्योंकि मैं सुबह उठते हमने ये भाई समझ लो कारनामे करे हैं और भाई मजा आ गया। सुबह एक सबसे बड़ी बात मजा इसलिए आया कि सुबह उठते ही हमने किया
और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा बिजी होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा होने वाला है क्योंकि शूट की तैयारियाँ चल रही है मेरी भी, रचित की भी, तो इस करके भाई यू नो गाइस पूरा दिन व्लॉग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाहर भी जाना है एक दूसरे का किसी काम से अर्जेंट वाले। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। और एक बात बताऊं, इस प्रैंक करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था गाइस, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट, इतने सारे कमेंट आ रखे हैं मेरे पास प्रैंक के, प्रैंक करो प्रैंक करो प्रैंक करो वैसे भैया के साथ, प्रैंक करो सिब्बू दीदी के साथ, प्रैंक करो मिक्की के साथ, प्रैंक करो अमन के साथ, प्रैंक करो शोना के साथ, सबके नाम ले दिए मैंने एक एक करके, बट ये प्रैंक जो था ये था रचित के साथ, बाकियों के साथ भी देखो आएंगे, प्लान करता हूँ वो सब भी। तो चलो गाइस सबको टाटा बाय बाय, बने रहो व्लॉग्स में, प्यार देते रहो, लव यू ऑल, लाइक करना कमेंट करना शेयर करना, और अगर व्लॉग को पूरा देखा हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाना, और चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय 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 बाय।